2007 और 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के ऐसे 10 महासंयोग जिन्हें शायद ही जानते होंगे आप। बारबाडोस में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा किया। 17 साल बाद उसने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दोबारा जीती। इससे पहले MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया 2007 में चैंपियन बनी थी। रोमांचक फाइनल में 7 रन से जीतने के बाद टीम के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यानी अब T20 इंटरनेशनल में ये दोनों टीम इंडिया की जर्सी में नहीं दिखेंगे। कहते हैं कि किसी चीज को दिल से चाहो, मेहनत करो तो उसे पूरा करने में भगवान भी आपकी मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हुआ। 2007 और 2024 T20 विश्व कप फाइनल में एक दो नहीं बल्कि 10 बातें ऐसी हुई जो एक सी थी। टीम इंडिया का एक वक्त तो स्कोर तक भी बराबर था। अगर यकीन नहीं है तो आप रिंकू सिंह वाले अंदाज में गॉड की प्लानिंग खुद ही देख लीजिए। बता दूं कि दोनों ही फाइनल में साउथ अफ्रीका कॉमन बात है। 2007 में T20 विश्व कप साउथ अफ्रीका की मेजबानी में खेला गया था। यह टीम इंडिया पाकिस्तान को फाइनल में हरा कर चैंपियन बनी थी, जबकि इस बार खिताबी मुकाबले में खुद साउथ अफ्रीका था। रोहित शर्मा के कप्तानी वाली टीम ने 7 रन से हरा कर जीत हासिल की, जो तत्कालीन भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी की जर्सी का नंबर था। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13 ओवर में 98 रन बनाए थे, जबकि 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ भी यही स्कोर था। टीम स्कोर में सबसे बड़ी पार्टनरशिप के दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 47-47 रन बनाए। 2007 में गौतम गंभीर ने भी ऐसा ही किया था, जबकि अब विराट कोहली के साथ अक्षर पटेल ने ऐसा किया। मैच में सबसे कम अनुभवी तेज गेंदबाज 2007 में जोगिंदर शर्मा थे, जबकि अब अर्शदीप रहे। आपको बता दूं कि दोनों ने ही 2 विकेट झटके, जबकि 12 डॉट बॉल डाली। उस समय जोगिंदर शर्मा ने आखिरी ओवर किया था, जिसमें मिसबा उल हक का विकेट गिरा और भारत चैंपियन बना। तो इस तरह से 2007 और 2024 के वर्ल्ड कप में एक नहीं बल्कि 10 योगायोग जुड़ के आए हैं। वैसे कि आपने ये दोनों भारत के फाइनल मैच देखे या नहीं, कमेंट करके बताइए। आई होप ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।